आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। आपको बता दें कि आईएएस चंद्रप्रकाश सिंह खुर्जा प्राधिकरण का अतिरिक्त चार्ज वर्तमान में जेएम बुलंदशहर है चंद्रप्रकाश सिंह। आईएएस सरोज कुमार विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन बने हैं। ज्ञानेश्वर त्रिपाठी विशेष सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बने। आईएएस निशा को प्रतीक्षारत रखा गया है। तो ये चार आईएएस अफसर जिनके यहाँ पर तबादले किए गए, इसी के साथ यहाँ पर नाम सबके आपके सामने। सरोज कुमार विशेष सचिव सचिवालय, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी विशेष सचिव सामान्य प्रशासन और आईएएस निशा को प्रतीक्षारत रखा गया है। चार आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। आईएएस चंद्रप्रकाश सिंह खुर्जा प्राधिकरण अतिरिक्त चार्ज उनको दिया गया है और डीएम बुलंदशहर के भी हैं। इसके साथ ही साथ सरोज कुमार का बिना इसमें शामिल है, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी भी इसमें शामिल है और आईएएस निशा को प्रतीक्षारत अभी रखा गया है। तो तबादला इन लोगों का किया गया है। ये चार अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं जिनका तबादला किया गया है, लेकिन आईएएस जो निशा हैं उनको अभी प्रतीक्षारत ही रखा गया है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चार आईएएस अफसरों के तबादले। आईएएस चंद्रप्रकाश सिंह का नाम से शामिल है, वर्तमान में डीएम बुलंदशहर है ये और आईएएस सरोज कुमार विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन बने यहाँ पर। ज्ञानेश्वर त्रिपाठी को भी अब नई जिम्मेवारी दी गई है। निशा जो है उनको अभी प्रतीक्षारत यहाँ पर अभी फिलहाल रखा गया है। तो चार नाम आपके सामने जिनके तबादले किए गए हैं, तो आईएएस सरोज कुमार विशेष सचिव सचिवालय, ज्ञानेश्वर त्रिपाठी विशेष सचिव सामान्य प्रशासन, आईएएस निशा को प्रतीक्षारत रखा गया। अभी उनको यानी कि कहीं का भी चार्ज नहीं दिया गया, अभी वो प्रतीक्षारत है, उनको बाद में कोई जिम्मेवारी दी जाएगी, लेकिन फिलहाल उनका तबादला कर दिया गया। उनकी जगह अभी तक जहाँ पर थी वो जगह किसी और को नियुक्ति दी जाएगी। अब तो चार आईएएस अफसर हैं जिनके तबादले कर दिए गए हैं और चार आईएएस अधिकारियों के तबादले में पहला नाम चंद्रप्रकाश सिंह का है जिनको अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, वर्तमान में डीएम बुलंदशहर है। चार आईएएस अफसर के नाम जिनका तबादले किए गए, तबादला एक्सप्रेस यहाँ पर एक बार फिर से देखी गई और इसी के साथ चार आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। एक साथ चार लोगों का तबादला किया गया है। सामान्य तबादले भी होते हैं कई बार, इसी के चलते चीजों में हेरफेर होती है। अब यहाँ पर फिलहाल तस्वीर चार नामों की है जिनका तबादला किया गया है। चार आईएएस अफसर हैं जिनका तबादला, लेकिन इसमें जो आईएएस निशा है अभी उन्हें प्रतीक्षारत रखा गया है। इसी के साथ आईएएस निशा अभी प्रतीक्षारत रहेंगी। और हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। वीरेंद्र जी, चार आईएएस अफसर हैं लेकिन अभी एक आईएएस अफसर जो कि निशा है उनको प्रतीक्षारत रखा गया है। ये बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष थी, वीसी थी, निशा को हटा दिया है सरकार ने, उनको वेटिंग में डाल दिया है और उनकी जगह पर अब बुलंदशहर के जो डीएम थे सीवी सिंह उनको इसका चार्ज दे दिया गया। चंद्र प्रकाश सिंह को वो वीसी का भी चार्ज देखेंगे, उनके पास दोहरा चार्ज आ गया है। जबकि दो जो तबादले वो सामान्य है, विशेष सचिव स्तर के सरोज कुमार को एपीसी शाखा से हटाकर सचिवालय प्रशासन में भेजा गया है और ज्ञानेश्वर त्रिपाठी को पीडब्ल्यूडी से हटाकर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भेजा गया है। विशेष सचिव का ज्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन ये ऊर्जा विकास प्राधिकरण की वीसी बुलंदशहर के हटाने का सरकार की कुछ नाराजगी का कारण बना होगा। इसके साथ ही लखनऊ में तीन एडीएम भी सरकार ने आज तैनात किए हैं, इनमें विपिन कुमार मिश्रा है, इनको एडीएम प्रशासन लखनऊ बनाया गया है। हिमांशु गुप्ता है, इनको एडीएम वित्त लखनऊ बनाया गया है। राकेश सिंह है, इनको एडीएम ट्रांस गोमती लखनऊ बनाया गया है। तो ये लखनऊ में तीन नए एडीएम तैनात हुए हैं। हालांकि छह पीसीएस अफसरों के तबादले हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये तीन नाम है उसमें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी तमाम जानकारियों के लिए। और लखनऊ से अगली खबर है जहां पर छह पीसीएस अधिकारी